dinner. Uh-huh. And we eat osechi. Uh-huh. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Uh-huh. Bento. So, aap yahan pe dekhiye ye bento. But no rice. No rice. Mm. तो इसमें चावल नहीं होता है, उसे या कोई काम नहीं होता है, तो एक दो एंड तीन, राइट, तीन दिन तक आराम से घर पे बैठ के इनकी कीट जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसन वा के तहत सीधे जापानीज पर्सन से कि जापान में पर्व त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हाँ जी, पर्व त्यौहार जापान में मनाने का क्या तरीका है, और वो लोग जैसे हमारे यहाँ नया साल मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ये सारे पर्व त्यौहार मनाया जाता है, तो जापानी लोग आखिर कैसे मनाते हैं, कैसे पर्व त्यौहार उनका कितना अलग है हमारे इधर से। तो सीधे चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे चीफ गेस्ट, आज के चीफ गेस्ट है मीका-सान। तो मीका-सान, प्लीज टेल अस, हाउ डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर? न्यू ईयर आप कैसे मनाते हैं अपने अपने देश में? न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? Nihongo ma ya Nihongo de daijoubu. Eigo de okay. New Year wa like we normally with family together. Uh-huh. And we eat osechi. Uh-huh. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Uh-huh. Osechi. Uh-huh. So we order or we cook osechi. Uh-huh. On the December 31st. Okay. And then we do anything. Okay. First. Uh-huh. Second. Uh-huh. Third. Uh-huh. So we not going anywhere, just relax. Stay at home to relax, uh-huh. And talk with family, uh-huh. Watching TV, uh-huh. नॉर्मल, राइट। तो जैसे इन्होंने बताया कि नया साल में सबसे पहले ओसेची, ओसेची लाइक मीका-सान, व्हाट इज ओसेची? ओसेची मींस कुक समथिंग स्पेशल फॉर स्पेशल। ओके, सो बट लाइक आई मीन समथिंग रामेन और समथिंग, व्हाट इज दिस रामेन एक्चुअली? ओके, सो ये लोग हमारे इधर नया साल में क्या बनाते हैं? चिकन बनाया, मीट बनाया, और या फिर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेज खाते हैं, तो उन्होंने नॉर्मली अपना चिकन वगैरह बना लिया, ओसेची लाइक मीट। ओह, इस बेंतो। सो आप यहाँ पे देखिए ये बेंतो। बट नो राइस। नो राइस। तो इसमें चावल नहीं होता है, उसे यू कैन ईट विद राइस। सो विथ चावल, विथ राइस, वी विल ईट विथ राइस। ओके, उसे ची। एंड सो यू ओनली कुक ऑन द न्यू ईयर और समथिंग एल्स ओनली? तो थ्री थिंग्स, राइट, तीन चीज़ें आप लोग करते हैं। एक तो उसे ची, दूसरा उसे ची बना करके खाते, यू ईट उसे ची, राइट। Second, you eat osechi, cook osechi, and it's second, you don't do anything, right? So relax. घर पे वो लोग आराम करते हैं, and TV, television, like TV, cinema, ये सब देखते हैं लोग. Singing, TV, like music TV, and like a lot of like fun activity, fun activity. So a lot of fun activity ये लोग, जैसे karaoke, but at home, for example, you have kid, you have family, then what you do? Go to play with your kids somewhere, or what you do? Yeah, so you can go somewhere to join, enjoy the. Because the first, second, third, mostly we don't have work. Three. Depends on the job. But normally we have 3 days, no work. 31st, first, second. Especially. तो तीन दिनों तक इनका कोई काम नहीं होता है, तो एक दो एंड तीन, राइट, तीन दिन तक आराम से घर पे बैठ के इनके कीट जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। एंड देन तब हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल, सबसे बड़ा पर्व जापान में क्या होता है। सो नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट न्यू ईयर, राइट, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन जापान, लाइक ओकी नमत्सुरी? तो कोई ओकी नमत्सुरी बना दे इसका तो नगाई ओयासुमी नो यासुमी नसु यासुमी नानी यासुमी जनक होते नक ओ मत्सुरी गोल्डन वीक के वेरी फेमस फेस्टिवल इन योर कंट्री, देन व्हाट विल यू से? युसाकोई मत्सुरी, राइट? युसाकोई, आई डोंट नो, युसाकोई, आई डोंट नो, युसाकोई, बट जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इट इज। ओके, सो इट्स लाइक डांसिंग फेस्टिवल, डांसिंग। सो अब मैंने अभी पूछा युसाकोई, ओके आप ये देखिए युसाकोई फेस्टिवल इसका नाम है, युसाकोई इस फेस्टिवल का नाम है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका, थैंक यू। तो युसाकोई में क्या होता है, व्हाट हैपेंड इन युसाकोई फेस्टिवल? सो इन सापोरो, इन आवर सिटी, वी दिस युसाकोई फेस्टिवल इन जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून, सेकंड वीक जून में करते हैं, हां जून में। एंड देन व्हाट यू डू, लाइक व्हाट आप क्या करते हैं? डांसिंग, दे प्लेइंग ट्रेडिशनल डांसिंग, युसाकोई डांसिंग। ए तो सो पीपल एंड देन राउंड डांसिंग, इज दिस? नो, दैट्स बोनोगरी। बोनो, ओके। युसाकोई बहुत डिफरेंट होता है, मैंने इंटरनेट पे लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। सो हाउ मेनी डेज यू सेलिब्रेट, लाइक 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, हाउ मेनी डेज? नो, दिस इज
This is no, this time Corona time, so we don't have. Yeah, but usually, Putang wa. Usually 3 days. Ah, mikka, 3 days. Tindin, it is so long, right? So long. But 3 days, last day is only final ceremony. Mm-hmm. Final ceremony. So 3 days ka inka ek dance program hota hai. Pura 3 days. Aur pure matlab 3 days mein alag alag type ka dance karte. So Mika-san, this is the longest Omasuri, the longest festival. What else? For example, we just talked. Bomodori, you said. Bomodori, yeah. Bomodori, the dancing. Bomodori is everywhere, like around August. In Japan, in Japan, everywhere. But that's traditional. But you know, in the world, everyone know about Golden Week. So Japanese Golden Week is so famous across the world, and people working in Japan usually take holiday, long holiday in Golden Week, 1 week holiday, and then they go back to their country. You can take more than 1 week. Yeah, two weeks, right? If you like working day off, like you can put day off. Yeah, between, normal holiday between that time. Yeah. You can take more than 1 week. And you go, can take right? Day. Yeah. So अब हम बात किया है कि एक और होली डे जो हमारे इधर होली होता है, होली 3 दिनों का होता है, लेकिन होली के जैसा ही यहाँ पे होता है गोल्डन वीक. गोल्डन वीक में 5 days, 5 दिनों का ना, 5 days. How many days it happens? No, it's almost 1 week. 1 week, right? Yeah, 1 week like 7 days plus some holiday. उसके अलावा भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं. तो अगर आप जापान में काम कर रहे हैं, यूजली यहाँ पे जो लोग विदेशी लोग काम करते हैं, तो 10-15 दिन का छुट्टी ले लिया गोल्डन वीक में. गोल्डन वीक मई में होता है. When it happens, Mika san? What happened when it happens? Like April or May? End of April. April end, right? From 29 to? Until 8. 8 of? May. Yeah, so 29 so to. So if you take day off, 2nd and 6th of May, okay. You can day off, 10 days. So very long, like 10 days holiday. So ये रहा, ये हुआ आपका गोल्डन वीक, जो कि एक बहुत लंबा फेस्टिवल होता है. तो नया साल गोल्डन वीक, ओबोन हॉलीडे, एंड what was the winter holiday? Yeah, like ओबोन, yeah, Christmas. So Christmas, what you do in the Christmas? Like normal Western, whatever they do in America and Canada. We will buy KFC. KFC? We will buy KFC. We going to eat KFC on Christmas. Okay. And we going to eat cake. You also make Christmas tree at your house, at your company, right? Yes. So ये लोग, जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं क्रिसमस में, तो क्रिसमस ट्री यूजुअली लाइक आफ्टर क्रिसमस वी रिमूव एवरीथिंग. तो क्रिसमस बीतते ही ये क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं. तो क्रिसमस ट्री, ओके, इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका? सो हाउ वेस्टर्न पीपल मेक क्रिसमस ट्री, इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री? आई डोंट नो अमेरिका, बट आई नो केन्या, बिकॉज़ आई वेंट केन्या. केन्यान पीपल, दे पुट इट्स क्रिसमस ट्री लॉन्ग ईयर, होल ईयर बिफोर दिसंबर. ओके. एंड इफ लाइक क्रिसमस इज गॉन, बट दे स्टिल पुट इट्स क्रिसमस ट्री लाइक न्यू ईयर, अंटिल न्यू ईयर और आफ्टर न्यू ईयर. बट इन योर कंट्री दे जस्ट रिमूव इट. या तो बिकॉज़ we going to celebrate for the new year. Okay, so after Christmas ये लोग क्रिसमस ट्री को हटा देते हैं. बट इन केन्या में क्या होता है कि केन्या में जो क्रिसमस ट्री बनता है उसको पूरे पूरे साल के लिए रखा जाता है, और उसी क्रिसमस ट्री के साथ में ये लोग नया साल, केन्या के लोग नया साल मनाते हैं. सो फाइनली वी विल रैप अप दिस. सो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे. एक बार फिर से बता दें कि हाउ मेनी हॉलीडेज, कितने जापानीज मत्सुरी होते हैं. सो मिका-san, फर्स्ट वन वाज गोल्डन वीक, सेकेंड इज न्यू ईयर, थर्ड वाज ओबोन हॉलीडे, फोर्थ वाज क्रिसमस, एंड फिफ्थ वाज व्हाट? No. Just you explain into the phone first time. The holiday, the longest holiday. Longest Omatsuri. Longest Omatsuri. Natsumatsuri. Yeah, Natsumatsuri. तब इतने तरह के holiday यहाँ पे, इतने तरह के matsuri होते हैं. तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. और हमारे Mika-san को थैंक्स बोलिए. थैंक्स Mika-san फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड से गुड बाय टू आवर ऑडियंस. थैंक यू एंड बाय. कैसन बा के तहत आज हम बात करेंगे जापान में जॉब लेने का सबसे आसान ऑप्शन क्या है. जी हाँ, यहाँ पे आप देखिए, जापानीज जॉब सेक्टर में अगर आप विदेशों से आना चाहते हैं, स्पेशली अपने बिहार से, यूपी से, इंडिया से, भारत से आना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका क्या है. और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास आईटी का सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमा की सर्टिफिकेशंस हैं, तो उसका यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए आप जापान में जॉब कैसे ले सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो का पहला सेक्टर है जो मैं बताता हूँ आपको. पहला ऑप्शन आपको मिलता है TITP, जी, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम. ये जापान का सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोग्राम है, जो कि विदेशों से फॉरेन वर्कर को
विदेशों से विदेशी वर्कर को जनरल सेक्टर में लेता है। जब मैं कहूँ जनरल सेक्टर में, तो खाना बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस में, सीमेंटिंग का काम करने के लिए, बिल्डिंग का काम करने के लिए, या फिर आप केयर गिवर का जॉब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जी हाँ, केयर गिवर। सो आपको जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता करनी पड़ती है, उनका हेल्प करना पड़ता है, तो केयर गिवर का वर्क में, इन सारे चीज़ों में आप TITP के तहत बड़े आसानी से आ सकते हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तो 2 साल से जापान बंद था, तो क्या TITP चल रहा था? जी नहीं, सब चीज़ बंद हो गया था। नया वीजा किसी को भी, चाहे आप TITP के हो, या फिर आप IT सेक्टर में आ रहे हो, या फिर आप के कोई जापानीज स्पाउज ही क्यों ना हो, यानी कि आपकी फैमिली जापान में क्यों नहीं रह रही हो, वो सारे के सारे लोग क्लोज हो गए थे। तो TITP स्टार्ट कब हुआ था? TITP लॉन्ग बैक 28 ईयर्स पुराना जापानीज गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है। 1993 में ये स्टार्ट होकर करीब करीब 182 सेक्टर्स में ये TITP का प्रोग्राम है। इतना लंबा है और इनका टारगेट है 3 लाख वर्कर। जी हाँ, 3 लाख वर्कर। सो 2019 का डेटा देखें, 2019 में इन्होंने करीब करीब 2,90,000 जो विदेशों से वर्कर थे उन्होंने बुलाया था। तो 2019 के जस्ट बाद क्या हुआ था कि लॉकडाउन लग गई थी, केवल जापान में ही नहीं, हर एक जगह। और लॉकडाउन लगने के कारण क्या हुआ था, जापान बंद और TITP भी बंद हो गया था। लेकिन अभी आज 2022 के 13 मार्च को इस वीडियो को हम शूट कर रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पे पीछे की तरफ जापान आपको खुला हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप TITP के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके जापान आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और TITP में आप कब जाते हैं? जब आपके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं है। तो जी, TITP में रिक्वायरमेंट क्या होती हैं, ज़रूरी क्या होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जिस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, जैसे अगर आप केयर गिवर में काम करना चाहते हैं, नर्स में काम करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में आपको 6 महीना या 1 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। तो यूजुअली हमारे भारत में क्या होता है, हमारे बिहार में क्या होता है कि वहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम, छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम होते हैं जो आपको ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री है, या फिर आपके पास नॉर्मल ITI का डिग्री है जो यहाँ पे चलता है, आप अगर पीटर प्लम्बर या फिर कोई ITI का डिग्री लेकर के भी TITP के तहत अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप TITP के तहत कैसे अप्लाई करें। जी, सो अगर आप जापान आना चाहते हैं और आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके पास जो डिप्लोमा या फिर ITI या फिर कोई नॉर्मल सर्टिफिकेट हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ आने के लिए TITP के थ्रू। तो देखिए, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आपके देश में, आपकी कंट्री में, हमारे केस में भारत में, TITP के सेंटर हैं, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कैंडिडेट को लेकर के, उस देश के कैंडिडेट को लेकर के प्रिपेयर करते हैं जापान आने के लिए TITP के तहत। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, करीब करीब 5 से 6 महीना लगता है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट का लिंक, जो वेबसाइट का लिंक है, मैं नीचे सेंड कर दूंगा, नीचे वीडियो के कमेंट में डाल दूंगा। वहाँ पे आप सर्च करेंगे कि इंडिया में रजिस्टर्ड TITP कितने हैं। जी हाँ, सो वहाँ पे गए, वहाँ से आप अपने नियरेस्ट आपके घर के पास में, या फिर अगर आप दिल्ली में ढूंढना चाहते हैं, जहाँ पे ढूंढना चाहते हैं, तो वहाँ पे कौन सा TITP का प्रोग्राम है जो कि एफिलिएटेड है जापान गवर्नमेंट, जिसको ओके किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, तो वहाँ पे जाकर के आप सर्च कर लेंगे, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका इंटरेस्ट हो, वहाँ पे जाकर के आप रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद में वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको कुछ फी पेमेंट करना है, कि इतना फी पेमेंट करना होता है। आप रजिस्टर कर लीजिए इतने फी के साथ, प्लस आपको 2 महीना 3 महीना 4 महीना का कोर्स कराया जाएगा। एंड देन उसके बाद जब जापान में वैकेंसी आएगी उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाएगा, उस फील्ड से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी, प्लस इन सब के साथ साथ आपको जापानीज भी सिखाया जाएगा। तो अगर आपको जापानीज भाषा के बारे में नहीं पता है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि JLPT का कोर्स होता है यहाँ पे, जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसका सबसे ईजिएस्ट लेवल, सबसे आसान N4 का होता है, तो NN5 का होता है, तो आप N5 तो कराते ही कराते हैं वहाँ पे, प्लस N4 अगर आप कर लेते हैं, तो यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करने में, लोगों से बातचीत करने में आपको आसानी होती है। तो
तीन चीज है, आप यहाँ यहाँ अपने पॉइंट डाउन कर लीजिए। एक तो लैंग्वेज की जानकारी, दूसरा सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, तीसरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो वैलिड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो देख लीजिए कि वो वैलिड है कि नहीं, जापान गवर्नमेंट के एफिलिएशन के लिस्ट में आता है कि नहीं। अगली बात यह है कि अगर आप उन सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जाना चाहते हैं तो TITP में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। देखिए वैसे तो आप आ नहीं सकते हैं क्योंकि TITP का जो प्रोग्राम होता है वो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन प्लस सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के चलता है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो जापान में जॉब देते हैं, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो आपके देश में आपको प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद में आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास भेजते हैं ताकि आपको जॉब मिले। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कितने लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि TITP जॉब है। जी नहीं, अब नाम से ही क्लियर है, टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये जॉब नहीं है जी, ये ट्रेनिंग है। और वैसे ये 5 साल का ट्रेनिंग है। हमारे भारत में अगर आप कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको इंटर्नशिप दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, वैसे ही ट्रेनिंग आप मान के चलिए कि ये ट्रेनिंग है एक तरह से। कोई आप जॉब के वीजा पे नहीं आ रहे हैं, TITP ट्रेनिंग के वीजा पे जापान में आ रहे हैं। तो ट्रेनिंग में होता क्या है, ये 5 सालों की आपकी ट्रेनिंग वीजा आपको दी जाएगी। शुरू में 1 साल की दी जाएगी जिसको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। अगर आप 3 साल तक ठीक से काम कर लेते हैं तो वो 5 साल के लिए रिटर्न हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मेन गोल ये होता है, TITP का जो मेन गोल है ये होता है कि आपको उस स्किल के बारे में बताए, आपको उस स्किल के बारे में जिस काम को आप करना चाहते हैं, जिस काम में आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसके बारे में आपको बताया जाए, आपको समझाया जाए, आप उस स्किल को जानकर पूर्ण रूप से उस स्किल में अपने आप को ढाल लें, अपने आप को बहुत ही मतलब निपुण हो जाए, ताकि 5 साल बाद जब आप अपने देश में जाएं तो जो भी स्किल आपने सीखा है यहाँ से, जो भी नॉलेज आपने लिया है, उस नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे कर सके, उस नॉलेज को के रिलेटेड वहाँ पे कंपनीज खोल सके या फिर वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, उस सेक्टर में, उस एरिया में वहाँ पे काम कर सके। तो TITP का गोल यही था और यही है भी अभी तक कि 5 सालों तक जो इंटर्नशिप लोग हैं, इंटर्न लोग हैं विदेशों में, जो लेबर हैं उनको बुला करके यहाँ पे एक तरह से जॉब, एक तरह से ट्रेनिंग प्लस उनको रिक्वायर सैलरी, उनको रिक्वायर पैसा भी दिया जाए और उनको नॉलेज भी दिया जाए, ट्रेनिंग भी दिया जाए, ताकि वो 5 साल के बाद अपने देश में जा करके वहाँ पर स्टडी कर सके। तो इस वीडियो में हम TITP तक ही अपने जॉब प्रोग्राम को, जापानी जॉब प्रोग्राम को सीमित कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट थिंग, अगर आप सच में जापान में आना चाहते हैं, अगर आपको जापान से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम उससे रिलेटेड आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम ऐसे ही जानकारी और नॉलेज से रिलेटेड वीडियो आपके पास डालते रहें। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, यही हमारी आपसे भगवान से विनती है। और कैसन बा, हमेशा खुश रहिए। जय हिंद। Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Bento. So, आप यहाँ पे देखिए, ये bento. But no rice. No rice. तो इसमें चावल नहीं होता है. Osechi. You can eat. या कोई काम नहीं होता है तो 1, 2 and 3, right? 3 दिन तक ये आराम से घर पे बैठ के इनके kids जो होते हैं, इनके बच्चे जो होते हैं, उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसन बा के तहत सीधे जापानीज पर्सन से कि जापान में पर्व त्यौहार कैसे मनाया जाता है। हाँ जी, पर्व त्यौहार जापान में मनाने का क्या तरीका है और वो लोग जैसे हमारे यहाँ नया साल मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है, ये सारे पर्व त्यौहार मनाया जाता है, तो जापानी लोग आखिर कैसे मनाते हैं, कैसे पर्व त्यौहार उनका कितना अलग है हमारे इधर से, तो सीधे चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारे चीफ गेस्ट, आज के चीफ गेस्ट है मीका-सान। तो मीका-सान, प्लीज टेल अस, हाउ डू यू सेलिब्रेट न्यू ईयर, न्यू ईयर आप कैसे मनाते हैं अपने अपने देश में, न्यू ईयर कैसे मनाते हैं? Nihongo ma yeah, Nihongo de daijoubu. Eigo de okay. New Year wa like we normally with family together. And we eat osechi. Osechi is kind of famous Japanese traditional food. Osechi. So we order or we cook osechi on the December 31st. Okay. And then we do anything. Okay. First, second, third,
so we not going anywhere, just relax. Stay at home? Stay at home to relax and talk with family, watching TV, just like on the... Normal, right? So, jaise inhone bataya ki naya saal mein sabse pehle oseti, oseti like Mika-san. What is oseti? Oseti means cook something special? For special. Okay, so, but something ramen or something? What is this? रामेन एक्चुअली ओके सो ये लोग हमारे इधर नया साल में क्या बनाते हैं चिकन बनाया मीट बनाया और या फिर जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वेज खाते हैं तो उन्होंने नॉर्मली अपना चिकन वगैरह बना लिया उसे लाइक मीट मीट ओह इट्स बेंटो सो आप यहाँ पे देखिए ये बेंटो बट नो राइस नो राइस तो इसमें चावल नहीं होता है उसे यू कैन ईट विद राइस सो विद राइस वी विल ईट विद राइस ओके उसे एंड सो You only cook on the New Year or something else? No, only New Year. So three things, right? Three things you guys do. One is osechi. Dusra osechi bana karke khate. You eat osechi, right? Second, you eat osechi. Cook osechi and it's second, you don't do anything, right? So relax. Ghar pe wo log aram karte hain. And TV, television, like TV, cinema, ye sab dekhte hain log. Singing, TV, like music TV. And like. A lot of fun activity. So a lot of fun activity. ये लोग जैसे karaoke. No karaoke. But at home, for example, you have kid, you have family. Then what you do? Go to play with your kid somewhere or what you do? Yeah. You can go somewhere to enjoy the because the first second third mostly we don't have work. Three. Depends on the job. But normally we have. 3 days, no work. 31st, first, second, especially. तो 3 दिनों तक इनका कोई काम नहीं होता है तो 1, 2 and 3, right? 3 दिन तक आराम से घर पे बैठ के इनके किड जो होते हैं इनके बच्चे जो होते हैं उनके साथ खेलते हैं या फिर खाना पीना बनाते हैं एंड देन तब हम बात करेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल सबसे बड़ा पर्व जापान में क्या होता है सो नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट न्यू ईयर राइट एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन जापान लाइक ओकिनामात्सुरी सो कोई ओकिनामात्सुरी बना देश का तो नगाई ओ यासुमी नो यासुमी नासु यासुमी नान थी या यासुमी जनक होते तो नका ओ मसूरी गोल्डन वीक थे Which one is the very famous festival in your country? Then what will you say? Yosakoi Matsuri, right? Yosakoi. I don't know. Yosakoi, I don't know. Yosakoi. But just explain what it is. Okay. It's like dancing festival. Dancing. Yeah. So maine abhi pucha Yosakoi. Okay. आप ये देखिए यूसा कोई फेस्टिवल इसका नाम है यूसा कोई इस फेस्टिवल का नाम है आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा इसका थैंक यू तो यूसा कोई में क्या होता है व्हाट हैपेंड इन यूसा कोई फेस्टिवल सो इन सापोरो इन आवर सिटी वी दिस यूसा कोई फेस्टिवल इन जून फर्स्ट वीक ऑफ जून सेकंड वीक जून में करते हैं हां जून में And then what you do? Like what? They, क्या करते? Dancing? They playing traditional dancing. Yosakoi dancing. ये तो. So people and then round dancing. Is this? No. That's Bonodori. Okay. Yosakoi बहुत different होता है. मैंने internet पे link डाल दूँगा आप वहाँ से देख लीजिए. So how many days you celebrate? Like 2 days, 3 days, 4 days? How many days? No. This is. No, this time Corona time, so we don't have. Yeah, but usually, I think usually 3 days. Ah, Mika, 3 days, 3 days. It is so long, right? So long. But 3 days, last day is only final. सेरेमनी फाइनल सेरेमनी तो 3 दिनों का इनका एक डांस प्रोग्राम होता है पूरा 3 दिन और पूरे मतलब 3 दिन में अलग अलग टाइप का डांस करते हैं तो मिका-सान दिस इज द लॉन्गेस्ट ओमासुरी द लॉन्गेस्ट फेस्टिवल व्हाट एल्स फॉर एग्जांपल वी जस्ट टॉक अबाउट बोमोदोरी द डांसिंग बोमोदोरी इज एवरीवेयर लाइक अराउंड ऑगस्ट इन जापान एवरीवेयर बट ट्रेडिशनल बट यू नो इन द वर्ल्ड एवरीवन नो अबाउट गोल्डन वीक सो जापानीज गोल्डन वीक इज सो फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड पीपल वर्किंग इन जापान usually take holiday long holiday in golden week 1 week holiday and then they go back to their country you can take more than 1 week yeah 2 weeks right if you like not working day off like you can put day off yeah normal holiday between that time yeah. you can take more than 1 week and go right सो अब हम बात किया है कि एक और होली डे जो हमारे इधर होली होता है होली 3 दिनों का होता है लेकिन होली के जैसा ही यहाँ पे होता है गोल्डन वीक में 5 डेज 5 दिनों का ना 5 डेज हाउ मेनी डेज इट हैपेंस नो इट्स ऑलमोस्ट 1 week 1 week राइट या 1 week लाइक 7 डेज प्लस सम होली डे उसके अलावा भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं तो अगर आप जापान में काम कर रहे हैं यूजुअली यहाँ पे जो लोग विदेशी लोग काम करते हैं तो 10 दिन 15 दिन का छुट्टी ले लिया गोल्डन वीक में होता है व्हेन इट हैपेंस लाइक
अप्रैल और मई एंड ऑफ अप्रैल अप्रैल एंड राइट फ्रॉम 29 टू अंटिल 8 ऑफ मई सो 29 सो इफ यू टेक डे ऑफ सेकंड एंड 6th of May. Okay. You can lay off. One, two, three, four, five, six, nine, ten days. So very long, like 10 days holiday. So ये रहा, ये हुआ आपका golden week, जो कि एक बहुत लंबा festival होता है. तो नया साल golden week, Obon holiday, and what was the winter holiday? Yeah, like Obon. Yeah, Christmas. So Christmas, what you do in the Christmas? Like normal Western, whatever they do in America and Canada. We will buy KFC. KFC? We will buy KFC. We going to eat KFC on Christmas. Okay. And we going to eat cake. You also cake. You also make Christmas tree at your house, at your company. Right? तो ये लोग जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं क्रिसमस में तो क्रिसमस ट्री यूजुअली लेके आफ्टर क्रिसमस वी रिमूव एवरीथिंग तो क्रिसमस बीतते ही ये क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं तो क्रिसमस ट्री ओके इज इट डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका सो हाउ वेस्टर्न पीपल मेक क्रिसमस ट्री इज इट डिफरेंट फ्रॉम योर कंट्री टू आई डोंट नो अमेरिका बट आई नो केनिया बिकॉज़ आई वेंट केनिया बट केनियन पीपल दे पुट इट्स क्रिसमस ट्री लॉन्ग ईयर होल ईयर बिफोर दिसंबर ओके एंड If like Christmas is gone, but they still put it Christmas tree like New Year until New Year or after New Year. But in your country, they just remove it. Mm. Yeah, so because we going to celebrate for the New Year. Okay, so after Christmas, ये लोग क्रिसमस ट्री को हटा देते हैं बट इन केन्या में क्या होता है कि केन्या में जो क्रिसमस ट्री बनता है उसको पूरे पूरे साल के लिए रखा जाता है और उसी क्रिसमस ट्री के साथ में ये लोग नया साल केन्या के लोग नया साल मनाते हैं सो फाइनली वी विल रैप अप दिस सो हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे एक बार फिर से बता दें कि हाउ मेनी हॉलीडेज कितने जापानीज मत्सुरी होते हैं सो मिका सन फर्स्ट वन वाज गोल्डन वीक सेकेंड इज न्यू ईयर थर्ड वाज ओबन हॉलीडे फोर्थ वाज क्रिसमस एंड फिफ्थ वाज व्हाट No, just you explain into the phone first time, the holiday, the longest holiday. Longest Omatsuri, Natsumatsuri. Yeah, Natsumatsuri. इतने तरह के holiday यहाँ पे, इतने तरह के matsuri होते हैं. तब तक के लिए, नमस्कार, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और हमारे मीका-सान को thanks बोलिए. Thanks मीका-सान for joining with us and say goodbye to our audience. Thank you and bye-bye. Bye-bye. यहाँ पे स्टिकर दिखेगा ये वाइट है तो वाइट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ ये रहा आपका आईफोन तो आईफोन 12 का है ये तो चलिए ये देखिए यहाँ पे आईफोन 12 आपके सामने आ गया है तो इसके वाली साइड वाला जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वाइट कलर है यहाँ से आप सिम कार्ड को इंसर्ट एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ से ये इसका पीछे वाला बैक लाइन है यहाँ पे दो कैमरा लगे हुए एक एलईडी है और नमस्कार कैसन भाई में आपका फिर से स्वागत है आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे आईफोन 12 का आईफोन 12 जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन 5G है जो मैं आज सुबह में ही करता हूँ योदोबाशी कैमरा से यहाँ पे बहुत ही महंगा आईफोन 5 में मिलता है तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पूरा पैक करके उन्होंने दिया है तो मैं इसको ओपन करूँगा ये देखिए जापानीज लोग क्या करते हैं कि ये पन्नी तो दिया ही दिया उसके साथ ही इसको टेप लगा करके आराम से दिया कि किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है और इसको मोड़ कर देते हैं कि आराम से आप इसको ले करके जा सकते हैं तो चलिए हम इसको पन्नी को हटाते हैं तो यहाँ से आपने हटाया और इसमें आपको बहुत सारी सर्विसेज भी दी गई है जो मिलेगी तो मेरा कैरियर तो AU का कंपनी है कंपनी का नाम सिम कार्ड का नाम AU का सिम मैंने लिया था और ये आईफोन आईपैड का इन्होंने 2021 का ब्रांड दिया था तो ये रिसिप्ट है तो रिसिप्ट को मैं बाद में दिखाऊंगा फिलहाल फ़ोन को देखते हैं तो ये है हमारा वाइट कलर का और इसके बाद में इसमें क्या क्या है ये सिम कार्ड का है इन्होंने सिम कार्ड का ये देखिए यदि हमारे यहाँ बड़ा भी सिम मिलता है मॉडरेट भी सिम मिलता है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नैनो सिम मिलता है तो आपको नैनो सिम भी मिलेगा तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ तो ये पन्नी लगाया हुआ है तो आईफोन का लैग टैग लेवल यहाँ पे भी ये चाइनीज से इम्पोर्ट करते हैं चाइना से इम्पोर्ट करते हैं तो आपको ये मेड इन चाइना वाला यहाँ पे स्टिकर दिखेगा ये वाइट है तो वाइट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा तो चलिए मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ ये रहा आपका आईफोन तो आईफोन 12 का है ये तो चलिए ये देखिए यहाँ पे आईफोन 12 आपके सामने आ गया है
तो इसके वाले साइड वाला जो है बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का वाइट कलर है, यहाँ से आप सिम कार्ड को इंसर्ट एग्जिट कर सकते हैं। और यहाँ से ये इसका पीछे वाला बैक लाइन है, यहाँ पे दो कैमरा लगे हुए, एक LED है और एक ये आपके कैमरा के सपोर्ट करने के लिए ये लाइट भी लगी हुई है, तो डुअल कैमरा वाली है। 12 मेगापिक्सल का कैमरा पीछे की तरफ लगा हुआ है और इसका जो फ्रंट में भी, इसके फ्रंट में भी दो कैमरा है, तो दो कैमरा लगे हुए। ये सारे ऑप्शन हैं जो इनके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनके साथ साथ एक्सेसरीज क्या मिला है हमें, ये सबसे पहले तो ये मिला है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये तो है चार्जर एडाप्टर के लिए, तो इनका कनेक्टर मेरे ख्याल से टाइप सी है, तो ये आईफोन 12 वाला जो कनेक्टर है वो टाइप सी है। तो ये शायद ये नॉर्मल है आईफोन वाला, आईफोन का पिन अलग से होता है, तो ये वाला पिन यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इनको चार्ज करने के लिए। और ये टाइप सी है, ये नॉर्मल USB नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है जब आप अगर आईफोन 12 खरीद रहे हो, आईफोन 12 में टाइप सी का कनेक्टर आता है, तो आपको टाइप सी का एडाप्टर खरीदना होगा इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इसके साथ मेरे को वो मिला था। इसके बाद ये यूजर गाइड डिजाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया, तो डिजाइन तो कैलिफोर्निया में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इसका चाइना में हुआ है। तो अच्छा, इसके साथ इन्होंने क्या दिया है मेरे को, सिम कार्ड का पिन भी दिया है। तो इस पिन का यूज करते हुए मैं सिम कार्ड लगा सकता हूँ, सिम निकाल सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से आपके पास कुछ नहीं, तो बेसिकली आपके पास ईयरफोन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से आपको एडाप्टर की ज़रूरत होती है, तो आप एडाप्टर को खरीद सकते हैं यहाँ आईफोन 12 के साथ, अगर आप चार्जर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर में आपको बात बता देता हूँ कि इस फ़ोन के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या हैं। तो पहले हम सिम इसको लगा लेते हैं आराम से, उसके बाद में हम बात करेंगे। ये देखिए जो ये सिम का स्लॉट है, तो यहाँ हमने ओपन किया और ये इनका सिम का स्लॉट है, ये AU कंपनी का मैंने सिम लिया था। तो अभी हम इसमें सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे, तो आपको ऐसे करके और यहाँ पे सिम कार्ड बड़े आराम से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद में ये बराबर हो जाएगा, जब इतना बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब आप आराम से आपने सिम कार्ड लगा लिया। तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसके स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। तो मैं इसको ऑन करता हूँ क्योंकि ये अभी नया फ़ोन है, तो इसका कोई मेरे ख्याल से कोई लॉक सिस्टम नहीं लगा होगा, तो ये अनलॉक भी, हाँ अनलॉक हो गया ये। तो अनपैकिंग की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में हम आईफोन जो 12 ये अनपैक किया है इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, इसमें क्या क्या चीज़ आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि 5GB है, जी हाँ 4GB भी, 4G नहीं 5G की फैसिलिटीज इसमें है, तो 5G से आपका इंटरनेट कितना फास्ट हो जाएगा और कौन कौन से सिम कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल, पूरी स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में सब चीज़ हम बताएंगे। अगली वीडियो को हमारा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट, शेयर, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग? यार शरीर पूरा टूट रहा है आज सुबह तो। क्वेश्चन बड़ा, आज हम वैक्सीन लेने चल रहे हैं कोरोना का तीसरा डोज, तो चलिए हम बताएंगे इस वीडियो में कि जापान में तीसरा डोज जो कि मोडर्ना या फिर फाइजर में से सेलेक्ट किया जाता है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो बोलिए बस। अभी मैंने वैक्सीन ले लिया है, तो ये 11:29 पर मैंने लिया था। ये देखिए, इन्होंने जैसे मैंने वैक्सीनेशन का प्रोसेस ख़त्म किया है, इन्होंने कहा कि आप 15 मिनट का यहाँ पे वेट कीजिए। देखिए यहाँ पे 15 मिनट का इन्होंने टाइम डाला हुआ है, 15 मिनट आप वेट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं। तो मेरा 15 मिनट भी पूरा हो गया, जैसे मेरा 15 मिनट पूरा हुआ इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह साइन किया, साइन करने के बाद मुझे दे दी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डोज लिए मेरे को 5 घंटे हो चुके हैं, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा फीवर आ रहा है। तो ये लोग बताते हैं कि मोडर्ना फाइजर में सबसे ज़्यादा जो हार्ड होता है वो मोडर्ना का होता है, और मेरे पास कोई चॉइस थी नहीं क्योंकि जो मैंने जगह बुक किया था वहाँ पे केवल और केवल मोडर्ना की वैक्सीन से अवेलेबल थी। तो मैंने कहा चल भाई लगा दे, फिर मोडर्ना देख ही लेंगे, हैं इंडिया से हैं इतने बड़े बड़ी चीज़ों को देख लेते हैं, तो इसको भी देख ही लेंगे। तो देखते हैं कल तक क्या होता है। फीवर वगैरह का तो दवा मैंने सब ले ली है, टैबलेट ले लिया है, पर ये बताते हैं कि ज़्यादा ही फीवर हो सकता है, ज़्यादा ही बुखार लग सकती है, तो आपको ये करना है कि खाने पीने की वस्तुएँ ले आ करके अपने घर में रख लेनी है,
ताकि अगर आपको ज्यादा फीवर हो गया तो खाना वाना बनाने की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप अकेले रह रहे हो, अगर आप अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ रह रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है। तो मैंने भी थोड़ा बहुत खाने पीने की सब चीज़ें ले करके रख ली है। वैसे यहाँ पे बेंतो बोलते हैं जो लोग लाया जाता है यहाँ पे। तो तीसरे डोज लेने से पहले सबसे पहले आपको वैक्सीन का लेटर मिलेगा। यदि हमको लेटर मिल चुका है, इस लेटर में लिखा रहता है कि आपको कहाँ पे जाना है, कब लेना है और तीसरा वाला डोज के बारे में सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। तो ये मेरे को जब लेटर मिला था तो उसमें तीन मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको प्रिपेयर करना होता है। पहला तो ये है, इस डॉक्यूमेंट में आपको बस नॉर्मल लिए 10 घंटे हो चुके हैं और मेरे को फीवर थोड़ा सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई दबा कर खा ही लेते हैं। तो भाई रेस्टोरेंट में आए, आज देखो शाम को पहुँचे रेस्टोरेंट में और यहाँ दबा करके खा रहे हैं। देखिए हमने ऑर्डर किया है चावल और ये इनका चिकन है, चिकन फ्राई करके तवे के साथ और कुछ हेल्दी फूड जिसमें ये कॉर्न है और मिसो सूप। मिसो सूप जापान का बहुत ही फेमस होता है, तो ये मिसो सूप लिया मैंने, ऑर्डर कर लिया है। तो देखता हूँ मुझे कल तक फीवर होता है, बुखार होती है तीसरा डोज लेने के बाद कि नहीं। इसलिए मेरे को 12 घंटा हो चुका है, कुछ हो नहीं रहा है, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये उठ नहीं रहा, ये उठने में परेशानी कर रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। फीवर तो नहीं हुआ, बुखार तो नहीं हुआ, बहुत डरा रहे थे दोस्तों ने भी सुई लिया था, वो बहुत डरा रहे थे हमको कि फीवर हो जाएगा। तो मैंने पहले से ही भाई पूरी इंतजाम कर ली है, देख लो ये जापान में ऐसे ही तुमको मिलेगा बुखार का टेबलेट। मैंने बुखार और सर दर्द सबका ले रखा है, आराम से प्याज ले रखा है कि कोई भी दिक्कत हो दबा करके खा लिया, फिर मस्त रहा अपना, आराम से सो गए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि चलो नहाते हैं शाम को, स्नान करते हैं अभी क्या होता है। वैसे मेरे को मना की थी उसने, कही थी कि नहीं स्नान नहीं करना है, लेकिन वो है ना इंडियन चुर पड़ी रहती अपने अंदर कि देखते हैं नहा करके क्या होता है। तो अब मैंने डिसाइड कर दिया नहाते हैं और इस बार मैं इस शैम्पू से नहाऊंगा, ये उल्टा हो गया, इस शैम्पू से नहा कर देखते हैं क्या होता है, जो होगा देख लेंगे, आप लोग हमारे साथ है ना, देख लेंगे क्या होता है। दाल भात के ऊपर जो चटनी खाने का मजा है ना, वही मजा शाम को बाथ टब में ठंडा और गर्म पानी मिला मिला कर डूब डूब के नहाने का है, मजा तो बहुत आया। करीब करीब आधे घंटे तक बाथ टब में डूब डूब कर नहाए हैं, अब देखते हैं सुबह में क्या होता है। और ये दर्द भी कम करने लगा, यहाँ चिपकाई है बहुत 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 तेज लगा है, इस समय तो बहुत चिपक रहा है, दुख रहा है, देखते हैं। अब तो मैं सो ही जाऊँगा, रजाई वजाई सब तैयार कर लिया है, सो जाऊँगा। आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर भी करिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो आप लोग मोटिवेट कर देंगे तो हम और आगे ऐसा ही वीडियो बनाते रहेंगे। आप गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई लोग? यार शरीर पूरा टूट रहा है, आज सुबह तो सुबह को 8 बज चुके हैं और 8 बजे मेरे को जग रहा हूँ, काम पर भी जाना है जल्दी जल्दी। तो रात को क्या हुआ था मेरे साथ, कुछ खास नहीं, फीवर आ गया था, तो कल मैं जो दिखा रहा था वो टैबलेट, वैसे एक खाते हैं, मैंने कहा कि यार एक से तो कुछ होने जाने वाला नहीं है मेरा, तो मैंने एक ही बार में 2 दबा दिया। उसके बाद सोया, थोड़ा थोड़ा फीवर सा हो रहा था तो टैबलेट खाने के बाद आराम मिला, फिर मैंने आराम से रजाई लगाई और सो गया, और सुबह 8 बजे अभी तो नींद खुल रही है। तो कोरोना का तीसरा डोज यहाँ पे सारे लोगों को मिल रहा है जापान में, केवल मेडिकल वर्कर को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को, जो नॉर्मल वर्कर हैं या फिर एल्डरली हैं या फिर नॉर्मल फैमिली हैं या फिर दोस्तों से जो फॉरेनर आके रह रहे हैं उन लोगों को भी मिल रहा है। हुआ यह था कि करीब करीब 6-7 महीने पहले जो पुराने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे, अभी तो बदल कर सुगा जी हो गए, सुगा जी के पहले शिंजो आबे जी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन का लॉट मंगवाएंगे, करोड़ों वैक्सीन मंगवाएंगे ताकि बूस्टर डोज दिया जा सके। तीसरा डोज को बूस्टर डोज बोलते हैं यहाँ पे, तो वो बूस्टर डोज यहाँ पे लोगों को दिया जा सके। तो वही बूस्टर डोज हमें भी मिला था, बहुत सारे लोगों को मिल चुका था, हमें तो कुछ उतना ज्यादा बुखार या फिर शरीर का टूटना ये सब हुआ नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त था वो भी लिया था भाई साहब, उसकी तो जान ही चली गई, उसकी तो दूसरी डोज लेने के बाद ही जान चली गई थी। तो दूसरा डोज तो कैसे भी कर करके उसने सह लिया, लेकिन तीसरा डोज लेने के बाद में उसको इतना तेज फीवर आया और उसका शरीर टूटने लगा था, तो उसे तो एम्बुलेंस पे लाद करके लेके जाना पड़ा। तो ये करीब करीब 4-5 दिन पहले की बात है, तो वो जब अपनी कहानी मेरे को सुना रहा था, मेरे को मतलब डर गया, मैंने तो पूरी की पूरी प्रिपेयर कर ली, तैयारी कर ली कि चलो ठीक है, कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी खरीद लेते हैं और मेडिसिन वगैरह दवाइयाँ भी खरीद लेते हैं ताकि किसी प्रकार का अपना मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत ना हो, बुखार बुखार आता है तो आराम से खा दवाइयाँ खा ली, खाना खा ली, किसी से कोई मतलब नहीं, दवा करके सोएंगे, अपने आप बुखार ठीक हो जाएगी। तो कैसी लगी वीडियो हमको जरूर बताइएगा, आपको ये कोरोना के तीसरा डोज पर बनी वैक्सीन की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम यहाँ पर आपको जापानीज टेक्नोलॉजी, जापानीज लैंग्वेज और जापान से रिलेटेड नए नए चीज़ों को बताते हैं, दिखाते हैं। और अगर आप जापान आना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट सहायता जो भी हम
हेलो, नाइस टू मीट यू. इतादाकिमास. थैंक यू सो मच फॉर दिस फूड, ब्रिंगिंग द फूड. Okay, so Mita-san, hello. Nice to meet you. Hello. Yeah, so today we are in Indian restaurant, right? So the name of the shop is Mohandas. Oh, so is it delicious? Oh, so okay, can you taste it? Okay. Itadakimasu. Oh, so Japanese people usually say itadakimasu, right? What is itadakimasu? Thank you so much for this food. Bringing the food. So first time if you eat someone's food, you say that, right? Okay, itadakimasu. Okay, I will also itadakimasu. Yeah, itadakimasu. How is it? This one is dal, right? Mm. Chicken. Chicken? Chicken curry. Oh, chicken curry, dal and salad, rice. What is this? Oh, I don't know. What is that? Okay, aloo gobi. Gobi. And this one is, I don't know, aloo. Then you eat a bit and then you will taste. Okay, guys, I'll give a spoon to you, so it will be. Thank you. Yeah. Oh, eggplant, eggplant. Yeah. Eggplant. Natsu. Natsu. Jagaimo. Jagaimo, no, yeah. Potato. Potato and natsu. Mm. You spice. Like? Spice. Spicy. But... spicy. Yeah, okay. Oishi. So, oishi means delicious, right? Delicious. Delicious. So, very delicious. Very delicious. Very tasty, right? Mm. Okay. So, how many times in a week you eat Indian food? Mm, in a week, maybe twice. Two times in a week? No, 2 weeks, one time. 2 weeks? Okay, okay. Two times? No. One time in two weeks, right? Okay. So, especially today is a holiday and you come to eat very far from your place, right? Almost 1 hour. 1 hour, right? 1 hour, like you travel just to have this food. Wow, it's very like. Kyomi ga ippai, right? You have a lot of interest. Daisuki. Daisuki means love. So she said like she loved the food. I love food. You love food? You love India also? Do you? Yeah. I want to visit someday. You want to visit? Okay, okay. Maybe someday. Someday. Yeah, of course you will. You will. So what are the things like you like the most in the food? Like you have a big naan here, right? And rice also. I like basmati rice. Ah. Basmati rice. So this rice is Japanese rice, Abhi. Oh, so you know that basmati rice, right? Mm-hmm. Wow, so this is very popular. Is it popular in Japan? Basmati rice? Yeah, no. Not popular, like no. It's popular. Expensive. Expensive? Mm-hmm. Oh, it's costly. Yeah, it's so costly. Mm-hmm. Okay, why don't you taste chicken kebab and then just tell our audience how it look like. Okay, I'll give you the fork. Yeah, fork and knife, yeah, so that you can make it slice. That is yours. That's okay. It's ours. Chicken kebab one. Okay, you can eat. I will help you to. Please, yeah, hold it. Okay, we did. Thank you. Yeah. Go ahead with this slice. Itadakimasu. Is it spicy? It looks like spicy. Spicy? It's very spicy. Oh, do you need tissue or something? Water or something? It's nice. I like spicy. Okay, so. Usually Japanese people like spicy or not? No, not so much. Common. But you said you like spicy, yeah, right? So. I went to Kenya 2 times. Uh-huh. And I love spicy food. Uh-huh. Mm-hmm. So I love spicy things like this. Okay. Mm-hmm. By the way, so do you think this is also spicy? I am not sure what it is. Oh, this is just a second. We'll see. Oh, maybe kebab. Okay, try this. Oishi? Mm. Oishi, delicious. So tasty. Mm-hmm. So guys, we have Indian food today and we are really enjoying here. Yeah. Right, Mika-san? Mm-hmm. Enjoying. Some people also there. Yeah. But because of Corona, it's stopped missing so much people, right? So. And we had a lot of food. Right? Mm. I suspect we can finish it. Can you? It's impossible. No, right? I don't think so. So we can, like, in once.
in Japanese culture that we can't waste the food, right? Mm. So what we need to do if we can't finish, then? You can take it out. We you can take to, out to home. And then eat later, right? Mm. It is rude to just waste the food. So yeah, it's very different for wasting the food. Okay guys, then thank you so much for watching the channel, and I will be coming next time. We will be coming next time with new video, right? New experience. We'll be showing you some new experience to the Japanese culture. Thank you. Arigato. Goodbye. Bye-bye. Bye-bye. Arigato. So I don't know, it's correct way to eat this way. yeah, actually what we use by hand. We eat by hand. Can you you are eating by hand, wow. Is it common in Japan? Chopstick. Chopstick. Indian restaurant, so you should eat by spoon or fork or Indian, no using chopstick. We don't have, yeah. We have in Japanese restaurant. Ah, okay, yeah. Why not? Yeah, we have. But I am surprised you learn. You completely become pro. Yeah, because I was in Kenya, I eat. How many years you have been there? No, first only 3 weeks. Okay, okay. Second time I was in 1 month and a half. So it was like this was just travel, right? Mm. Travel purpose. Have you been like, have you eaten a lot of Indian dishes in Kenya? This thing eat a lot in Japanese Japanese restaurant, right? In Japan. So in Japan, Indian restaurant is so famous, right? Okay, so if you have to suggest like one thing in whole Indian food, then which one you suggest our audience to eat? So either like chicken kebab, dal, curry or salad or rice. Yeah, or I think curry, but naan is also delicious. Naan, right? Yeah. Naan is so big, right? This kind of naan. Can you able to finish complete naan like this? And also, I like cheese naan. Cheese naan. But today we order plain. Yes. We order the set, right? Mm. We order the set. But in the set, we have some different kind of naan, right? Yeah. And what is that? You don't recommend the chai? No, you not drink with this food. Usually we drink chai after the food, but it's okay. It's okay. You can drink. Yeah, it's okay. It's Japan. It's Japan, right? So we can change. We can change the order. Oh, you should also eat the papad and tell the taste to the audience. Yeah, papad. Yeah, you can cut it. Yeah, yeah. Go. How is it? Do you feel like a bread or something like Japanese bread, pan? What's made from? Okay, I am not sure. what are that? Somehow. I think something wheat or something and fry, deep fry with oil. Yeah, it's nice. Is it like niteru with any kind of Japanese food, like is it matching? Sembe. What is sembe. That? Sembe. Sembe? Mm. I didn't know. I don't know what is that. Oh, sembe like rice snack. Rice snack. Okay. But is there any special kind of ceremony you eat osambe or just like eat normally? Okay, I didn't find this in any Japanese shop so far. So what is that? Like, can we find any shop or we have to go to a special shop? You can find anywhere, in convenience also. Sometimes, right? Okay, so it was a very nice experience Indian food with you, right? Yeah. Say goodbye to our audience and see you later. See you later, bye. So, you finish? Did you? Almost finish? Almost. Wow. You full? I'm very full since 5 minutes ago. Okay, so your house is 1 hour from here, so yeah, can you able to go with your full? Yeah, I'm going to sleep on the subway. In the train? And how do you walk? It's impossible, right? You try your best, right? Yeah. Okay. Gambarimashita. Gambarimashita. But I didn't write, so I will take it out. Can you please press the button? Okay, so we will order this to the forward sticking out, right? Mm-hmm. Yeah. There's someone will come here, or maybe she will come to pack it, right? Right, Mikasa? Mm. But can you try? Maybe you can eat. No? Please tell her. Kore. So.
ビニール袋代3円と容器代20円だけいただいて大丈夫です。はい、すみません。はい、ありがとうございます。 So I have just ordered them to pack out and then have to bring it home to eat, right Mika-san? Bita, because we can't waste the food. And it's good. It's good. But it's not good, right? Bring food and eat at home. It's look like no, you it's are... It's good, it's good. No need wasting the food, so... Is it also common in Japanese culture? So if you are going to Japanese restaurant and you do that, will you? If you can't finish, you can take it home. But she asked me to pay some money, right? Yeah, because plastic bag, plastic like package to put it the curry. And how much I need to pay that for the bag? The bag is I think 20,000. 20,000. It's too expensive. 20,000. 20 yen. 20 yen. Yeah. Okay. And like. Plastic bag it's 3 yen. So totally 23 yen. 20 yen for the packet. But I had curry and then rice. So will they mix and then put or differently? I think differently. And just differently is 20 yen. It's very cheap, right? I think so. Thank you. Thank you for explanation. Bye bye.